यूरोपियन संघ के सांसदों का जम्मू कश्मीर में दौरा करना विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, जिस वजह से वो मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। आपको बता दें, हाल ही में MIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, वहां पर किसी ने दावत नहीं दी। यहां डेलीगेशन के मेंबर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर गए हैं। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार में निराशा साफ नजर आती है, उनकी विदेश नीति में असमंजस की स्थिति है, कोई क्लियरिटी नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हम शुरू से कह रहे थे कि धारा 370 को हटाना गलत और असंवैधानिक है, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ऐसे लोगों को उस जगह पर ले जा रहे हैं जिन्हें हिटलर और नाजी की विचारधारा को मानने वाले कहते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन दिखाई देता है, मैं तो जम्मू कश्मीर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम जाकर वहां क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि क्या ऑफिशियल डेलीगेशन तो है, नहीं फिर क्यों उन्हें ये ले जाया गया, कौन है ये लोग, विदेश मंत्रालय कहता है हमारा ताल्लुक नहीं है। इस तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही। आपको बता दें, बीते दिनों प्रियंका गांधी और मायावती ने भी जम्मू कश्मीर में डेलीगेशन पर नाराजगी जताई थी। उनका कहना था अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो फिर इन डेलीगेशन का यहाँ आने का क्या मतलब है। वेब 20 न्यूज के लिए राहुल की रिपोर्ट।